सुकूनों कैसे हो आप लोग, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और जिस चीज का हमें इंतजार था वो घड़ी आ चुका हुआ है। इंतजार क्या चीज का था? इंतजार इस चीज का था कि जो भी 10th और 12th के स्टूडेंट है उसका डेट निकल चुका हुआ है, कब से उसका एग्जाम किया गया। और इसका काफी एक एक्साइटमेंट रहता है स्टूडेंट के अंदर कि हमारा रिजल्ट कब होने वाला है और कब से होने वाला है। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आपका रिजल्ट, जो भी इंटर के छात्र है, हर एक साल जो एक फरवरी से एग्जाम होता है इंटर का, अब की साल भी कल जो है बिहार बोर्ड के अध्यक्ष जो है परीक्षा का कैलेंडर जारी किए, जिसमें 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक इंटर का एग्जाम होने वाला है। और 15 फरवरी, पिछले साल 14 फरवरी से एग्जाम था इंटर वाला, मैट्रिक वाला का, लेकिन अब की बार जो है 15 फरवरी से लेकर और 23 फरवरी तक मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है। और बहुत सारे स्टूडेंट के ये कन्फ्यूजन आता है कि सर ये बताइए कि प्रैक्टिकल हमारा कब से कब तक और हमारा एडमिट कार्ड कब से कब तक मिलेगा। तो जो इंटर के स्टूडेंट है उसे हम बता देना चाहते हैं कि आपका प्रैक्टिकल जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक, 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक इंटर का प्रैक्टिकल भराएगा और जमा होगा, ठीक है। और जो है जो मैट्रिक के स्टूडेंट है, 10th के स्टूडेंट है, उसे कहना चाहते हैं कि उसका जो है 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में उसका जो प्रैक्टिकल का कॉपी है वो प्रैक्टिकल कॉपी जमा होगा, ठीक है। तो ये काफी स्टूडेंट के अंदर एक्साइटमेंट रहता है कि सर कब से एग्जाम होने वाला है, कब डेट आएगा, रिजल्ट का क्या डेट है, ये सारा चीज कल जो है मतलब कि उसमें आनंद किशोर ने सारा चीज को क्लियर करके मुझे बताया है कि जो भी मैट्रिक का, जो भी इंटर का स्टूडेंट है उसका जो प्रैक्टिकल, सबसे पहले तो प्रैक्टिकल जमा होता है, तो प्रैक्टिकल उसका जमा हो रहा है 8 से 10 जनवरी के बीच में आपका प्रैक्टिकल जमा होगा। फिर उसके बाद 1 तारीख आपका, अब उसके बाद एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड के बारे में आपको बता रहे थे। एडमिट कार्ड आपका आने वाला है, 8 तारीख को बिहार बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड, और आपको स्कूल के प्रति, स्कूल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएगा एडमिट कार्ड, वो जो है आपको 21 जनवरी से लेके 30 जनवरी के बीच आपको एडमिट कार्ड इंटर वालों को मिल जाएगा, ठीक है। और जो मैट्रिक वाले हैं, मैट्रिक वालों को एडमिट कार्ड मिलेंगे 30 जनवरी से लेके 5 फरवरी के बीच में आपको एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और फिर जाके आप अपना एग्जाम दे पाइएगा, ठीक है। तो ये बहुत खुशी की बात, एक एक्साइटमेंट आता है स्टूडेंट के अंदर कि मतलब कब से रिजल्ट आने, और आपका जो रिजल्ट है तो रिजल्ट के लिए बताया गया है कि रिजल्ट मार्च से अप्रैल के बीच, मार्च लास्ट महीना के लास्ट में और अप्रैल जो है महीना के फर्स्ट वाला वीक में, इस वीक में आपका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा। तो अब किस बात की देर है, अब कहां तक आप बैठिएगा, अब कहां तक आप रेस्ट कीजिएगा, अब आपको जरूरी है कि आपको अपनी मेहनत को आप दिखा देना है, आपको पूरा 100% देना है, और आप 100% दीजिए और आप अपना रिजल्ट लाइए। अगर आप अपना रिजल्ट नहीं ला पाते इस समय, देखिए 60% आप टीचर पे छोड़ दीजिए, वो आपके टीचर करवा देंगे, हम करवा देंगे 60%, और 40% 100% नहीं स्टूडेंट को करना है और 100% नहीं टीचर को करना है, दोनों जब तक नहीं मिलके काम करेंगे जब तक अच्छा मार्क्स नहीं आ सकता। अगर आप चाहते हैं 400 प्लस उससे भी ज्यादा नंबर लाना, तो उसके लिए आपका सिर्फ, मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 2 महीना आपके पास है। 2 महीना में आप बहुत क्रैश कोर्स जो होता है, क्रैश कोर्स सिर्फ 2 महीना का, 3 महीना का है, मेरे पास भी अवेलेबल है क्रैश कोर्स, अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे पास भी आ सकते हैं। सिर्फ 2 महीना में हम आपका बेहतरीन तैयारी करवा देंगे और आपका अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा। तो ये एडमिट कार्ड के बारे में बता दिए, प्रैक्टिकल के बारे में बता दिए, रिजल्ट के बारे में बता दिए, एग्जाम के बारे में बता दिए, और आपका किस दिन कौन सब्जेक्ट है वो भी आ चुका हुआ है। पहला दिन हिंदी है, दूसरा दिन मैथ, ऐसा ही कुछ है, मेरे पास होगा, हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो पूरा चीज आ चुका हुआ है कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट है, आप उसको खूब बढ़िया से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए और अच्छा मार्क्स लाइए और आप अपने नाम कीजिए। बस 10th वो आपको बताए थे, 10th वो चीज है जो आपके आगे का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है कि आगे आप पढ़िएगा, कि अगर आप काम कीजिएगा, कि आगे आप घूमने जाइएगा, ये डिसाइड करता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप खूब मन लगा के पढ़िए, और 2-3 महीना और बाकी है, इसमें आप पूरा 100% दीजिए और आप अच्छा नंबर लाइए, ठीक। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने आप को सफाई रखिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए।